क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज कौन सी है? अगर आप सोच रहे हैं डायमंड या प्लेटिनम तो आप गलत हैं। दुनिया में सबसे कीमती चीज वो होती है जिसका डिमांड सबसे ज्यादा हो। और आज के दुनिया में सफलता एक ऐसी चीज है जिसके पीछे सभी लोग हाथ धो के पड़े हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी पहचान बनानी है और पहचान बनती है सफलता से। फेलियर को कोई पूछता भी नहीं, सभी लोग सक्सेस के पीछे है। आखिर क्यों कुछ लोगों के आसपास भी सक्सेस नहीं भटकती है? जवाब है उनकी हैबिट की वजह से, यानी उनके गुणों से, उनके काम करने के और उनके सोचने के तरीकों से। तो चलिए देखते हैं वो कौन से महागुण हैं जिनसे सक्सेस उनसे दूर और दूर भागती है। पहला, जो समय की कीमत नहीं समझते हैं। दूसरा, जिनका लक्ष्य कुछ और है और काम कुछ और कर रहे हैं। तीसरा, जो खुद को कमजोर सोचते हैं। चौथा, जो हार की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और आखिर में, जो प्लान तो डालते हैं पर एक्शन लेने से डरते हैं। दोस्तों, समय की कीमत न समझने वाले ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि टाइम होता है सिर्फ पास करने को। ना इनके पास आज की टू डू लिस्ट है, यानी आज जो काम करना है उसकी लिस्ट है, ना ही कल की, ना एक हफ्ते बाद की, ना एक साल की। ये लोग हर साल न्यू ईयर के बाद खुद को प्रॉमिस करते हैं कि इस साल कुछ करेंगे, लेकिन वो कभी अपने प्रॉमिस को निभाते नहीं। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो आप उन्हें समझा सकते हैं समय की क्या होती है। उनसे बस यही कह सकते हैं, समय रहते ही समय का आदर करो, वरना कहीं देर न हो जाए। हमारे अगले सेक्शन में वो लोग हैं जिनके पास टू डू लिस्ट है, यानी उनके पास क्या काम करना है उसका लिस्ट तो है, पर वो गलत लिस्ट है। यानी उनका लक्ष्य कुछ और है पर उनका टू डू लिस्ट कुछ और है, और काम भी करते हैं तो आधे मन से। ना वो यहाँ के रहेंगे या वहाँ के। ये वो लोग हैं जिनके पास काबिलियत है पर वो एक काम में नहीं टिकते, एक काम करने निकलते हैं और दूसरे में फायदा दिख के उसमें घुस जाते हैं और तीसरे काम में। वो ऐसे ही सर्कल में घूमते रहते हैं। उनको बस यही कह सकते हैं कि एक जगह टिक लो भाई, आज नहीं तो कल तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। क्या आप जानते हैं हम क्यों हारते हैं? हम हारते इसलिए है क्योंकि हम सही समय में सही निर्णय नहीं लेते हैं। हम सही निर्णय इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम डरते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं। हम डरते हैं बड़ा सोचने से, हम डरते हैं बड़ा करने से। जब तक ये सोच नहीं बदलती हम हारते ही रहेंगे और किसी और की गुलामी करते ही रहेंगे। अगर जीतना है तो कुछ भी समझ लो खुद को, पर कमजोर कभी मत समझना, क्योंकि कमजोर हम नहीं, कमजोर वो लम्हा होता है जिसमें हम टूटते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर कामयाबी की श्रेय खुद लेते हैं पर जब हार का सामना होते ही दूसरे गली से निकल लेते हैं। अगर कामयाबी के बाद खुद को काबिल समझने की सोच रखते हो तो हार के बाद भी खुद सामने आके जिम्मेदारी भी लेना सीखो। हार का जिम्मेदारी लेने वाला हारा हुआ इंसान नहीं होता, हार का जिम्मेदारी लेने वाला सख्त इंसान होता है जिसने आज ये सीखा है कि कैसे नहीं जीता जा सकता है। दोस्तों, कुछ लोग रात भर बैठकर प्लान तो जबरदस्त बना लेते हैं पर सुबह होते ही उसे भूल जाते हैं, फिर अगले दिन फिर एक प्लान बना लेते हैं फिर भूल जाते हैं। वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। चलिए मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जब जिंदगी उल्टा मारती है तब सच में बहुत तकलीफ होती है। अगर आप ऐसे तकलीफ से बचना चाहते हैं तो खुद का बैकअप बढ़ा लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।